good afternoon. आज पढ़ेंगे वेलोसिटी। क्या केस थ्री वापस एक्सप्लेन, क्या समझ में नहीं आया उसको? ये ऐसा है, देखो वी इस साइड था, ओमेगा आर इस साइड है, तो ओमेगा आर ग्रेटर हो जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा ना यार। ओमेगा आर ग्रेटर है, इफ ओमेगा आर इज ग्रेटर देन वी, तो ये पॉइंट किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा? इस डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या जहाँ पे है उसके रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, मतलब इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा, बिकॉज ओमेगा आर इज ग्रेटर देन वी, तो इसका रिलेटिव मोशन है, तो फ्रिक्शन कैसा होगा? काइनेटिक होगा। फ्रिक्शन कैसा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। सही बात है, ओमेगा आर ग्रेटर है वी से, तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। अगर इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, बैकवर्ड स्लिपिंग है, फ्रिक्शन से है, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, इन प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग वेलोसिटी क्या होगी उसको देख लेते। अब ये v से जा रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है। गुड आफ्टरनून, है ना? तो प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग v इक्वल्स टू ओमेगा आ जाएगा, है ना? v इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ओमेगा आ, तो ये पॉइंट कि नेट वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में जीरो होगी, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर आ गया। तो अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना होगा इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करना होगा a, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v प्लस ओमेगा आर हो जाएगी, और ये भी v है, ये भी v है, तो ये 2v हो जाएगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो? तो v इस डायरेक्शन में, ओमेगा आर इस डायरेक्शन में, ओमेगा आर किसके इक्वल है? v के इक्वल है, तो फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। इस पॉइंट की वेलोसिटी c मान लेते हैं, इस पॉइंट को v और ओमेगा r, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v, इस डायरेक्शन में ओमेगा r, ये भी वेलोसिटी v होगी, d मान लेते। तो a पॉइंट की जो वेलोसिटी है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है v टॉप, इसकी वेलोसिटी जो है वो v प्लस ओमेगा r, और ये v प्लस v, बिकॉज़ v इक्वल्स टू ओमेगा r, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वो 2v हो जाएगी, प्योर रोलिंग। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट b को देखेंगे आप, तो ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो अंडर रूट v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर रूट 2v हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट c क्या आ जाएगा? v माइनस ओमेगा r, तो v माइनस ओमेगा r यहां से v माइनस b, तो पता है अपने को इसी पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होनी है प्योर रोलिंग। vd की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये भी v है, ये भी v है, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ये हो जाएगा रूट टू वी। तो आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, है ना? आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मैं कोई एंगल बना दूं, है ना, मान लीजिए कि ये पार्टिकल जो है ये यहाँ पे है, यहाँ पे कोई भी एक पार्टिकल है, ये यहाँ पहले यहाँ पे रहा होगा, फिर यहाँ पे आया होगा, तो थीटा एंगल, कितने एंगल पे है? थीटा एंगल, और ये प्योर रोलिंग मोशन है, v से जा रहा है और ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में होगी v, और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ओमेगा r, उसकी वैल्यू भी क्या होगी? इसको p बोल देता हूं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p। तो अब देखिए ये v से जा रहा है, ओमेगा r, ओमेगा r की वैल्यू भी v है, ये एंगल थीटा है, और ये तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से P पॉइंट की वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है, ये भी v है इस डायरेक्शन में, और ये एंगल है कितना? 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, कितना है? 180 माइनस थीटा, है ना?
तो आपको बताया है दो वेक्टर का समेशन कैसे फाइंड करना है, और ये भी बताया है कि व्हेन ए इक्वल्स टू बी, तो वेलोसिटी पी क्या जाएगा, व्हेन ए इक्वल्स टू बी मतलब 2v cos थीटा बाय 2, है ना, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा बाय, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ पी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पी इज 2v cos 90 माइनस थीटा बाय 2, तो पी पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी 2v sin थीटा बाय 2, 2v sin थीटा बाय 2, किसी भी पॉइंट की आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, वो कितना होगा 2v sin थीटा बाय 2, 2v sin थीटा बाय, अब यहाँ पे अगर मान लो, अब देखो डायरेक्ट अगर ये यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो थीटा कहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, थीटा यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90 मतलब ये वाली वैल्यू 2v sin 45, 2v sin 45 मतलब 2v by root 2, 2v by root 2 मतलब root 2, वही है root, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करेंगे वहां पे थीटा 180 हो जाएगा, थीटा 180 मतलब थीटा बाई 2 90, साइन 91 तो 2v हो जाएगा, तो इससे भी देख सकते हैं आप, बट आपको पता है v equals to omega r है, और आपको बताया है कैसे वेलोसिटी फाइंड करना है, वैसे फाइंड करें, नोट कर लीजिए इसको। नोट करने अच्छा ये बताओ, किसी का ऐसा भी हो रहा है कि मतलब अगर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो उसको क्लियर मतलब थोड़ा जो है वो डिले हो रहा है, वैसा है क्या? नहीं पता नहीं, एक रुका एक बार नोट कर लिया। ठीक है मैम, फिर उसी का नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट, यहीं से। हाँ जी नोट कीजिए आप। यस बट ये ऐसा नहीं कि ये इस फॉर्मूला को नोट कर लिया, समझ में आएगा ना, ये वर्टिकल से ये एंगल बना रहा है थीटा, आप फाइंड तो कर सकते हैं ना यार, कोई भी पॉइंट दे दिया कहीं पे भी दे दिया, v इक्वल्स टू ओमेगा होगा, बाकी आपको वेक्टर सम आता है, बट वेक्टर सम कर लेते बस, है ना, वेक्टर सम आपको कर लेना है, इसीलिए मैं इसको बॉक्स में नहीं रख रहा हूँ कि आप फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, वैसा काम नहीं करना है। एक मिनट नोट कर लीजिए, एक मिनट नोट करने दीजिए पहले इतना, फिर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूंगा। हाँ जी ये साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय, v equals to omega नहीं लिया है, v equals to omega r लिया हुआ है, ठीक है, v omega के equal तो कभी होगा ही नहीं, v equals to omega r है, अरे pure rolling के लिए तो बताया था last lecture में, ये v से जा रहा है, ये omega से rotate कर रहा है, pure rolling के लिए v equals to omega r हो जाएगा, v को omega r v के equal ले लिया, v को omega r के equal ले लिया,
नोट कर लीजिए फास्ट। इस टाइप से अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना होता तो एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते थे। अभी ज्वाइन किया क्या? ये नहीं आया समझ में, अभी ज्वाइन किया? ये वी से जा रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, प्योर रोलिंग मोशन। मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए थीटा एंगल पे, ये इससे। तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में वी से जाएगा, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा आर। ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, और एंगल है 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो वी है एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये दोनों वेक्टर वेक्टर है, इस वेक्टर का समेशन चाहिए मुझे, रिजल्टेंट चाहिए। तो आपको बताया है कि व्हेन ए इक्वल्स टू बी देन रिजल्टेंट वुड बी 2a cos थीटा बाय 2, तो डायरेक्ट लिख दिया vp इक्वल्स टू 2v cos थीटा की वैल्यू 180 माइनस थीटा बाय 2 है, डायरेक्ट लिख दिया इसको। नहीं तो फिर लिखना पड़ता अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v इनटू v इनटू cos 180 माइनस थीटा, उससे यही आंसर आता अपना 2v sin थीटा बाय 2। बताया है कि व्हेन ए इक्वल्स टू बी रिजल्टेंट इक्वल्स टू 2a cos theta by 2। इस टाइप से आप एक्सेलरेशन भी देख सकते थे, थोड़ा सा बताऊंगा सादा। मान लो कि ये अल्फा से जा रहा है और अल्फा से रोटेट कर रहा है, ए से जा रहा है और अल्फा से रोटेट कर रहा है ना, ए से जा रहा है और अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो उस इंस्टेंट पे क्या होगा कि अब अगर इस पॉइंट ये ऐसा है, ए से जा रहा है और अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो यहां से क्या होगा? प्योर रोलिंग। कैसा है? प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग के लिए क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू अल्फा आर हो जाएगा, ए इक्वल्स टू अल्फा आर आ जाएगा। ए इक्वल्स टू अल्फा आर हो गया है तो अब किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन तो ए हो जाएगा, और ये अल्फा से रोटेट कर रहा है तो ए प्लस अल्फा आर हो जाएगा। अपने को पता है ये ए प्लस ए आएगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन 2a, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए हो जाएगा और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा आर हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू ए है। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, है ना। इसी टाइप से इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा आर है, और अल्फा आर की वैल्यू ए के इक्वल है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड कर ली। किसी भी एंगल थीटा पे लेकर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते, किसी भी एंगल थीटा पे लेकर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, तो ऐसे एक्सेलरेशन आ जाएगा उसका। प्योर रोलिंग है सब। देखो यहां से ये ऐसा, सपोज वी से जा रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, समझ लीजिए एक बार क्या बात। प्योर रोलिंग है ये, तो आगे भी जाएगा और रोटेट भी करेगा। तो अभी क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बट यहाँ पे नहीं, आगे होगा। ये मूव कर रहा है मतलब आगे होगा ना यार, आगे भी जा रहा है, तो आगे जा रहा है तो ये ऐसा, ये कुछ ऐसा हो गया। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे था, ये पॉइंट सपोज यहाँ पे आ गया, पी था, अभी पी यहाँ पे आ गया। फिर आगे देख लीजिए, हाँ ग्रुप तो है ही, एक बार मैसेज कर देना मुझे। अब ये पॉइंट अभी यहाँ पे है, तो मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो सपोज यहाँ पे आ गया। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट E जो है अभी यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट मान लीजिए इस साइड आ गया, नहीं, ओके ठीक है ठीक है,
एक बार देख लेता हूँ, लास्ट में नंबर दे दूंगा, तो मुझे मैसेज कर देना क्या उसे। ये यहाँ पे आ गया, फिर आगे देख लेते हैं ऐसा, इस टाइप से सर्कल कैसे भी ड्रॉ कर लीजिए आप यहाँ पे, सॉरी इस टाइप से जाएगा ये पॉइंट यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ले लो, और एक फाइनली ये यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट पी यहाँ पे आ गया, पी यहाँ पे आ गया। अभी देखो पी पूरा एक क्या हो गया है, पी इसी पॉइंट पे आ चुका, मतलब ग्राउंड पे ही आ चुका है। इसकी मैंने यहाँ पे भी एक ऐसा ही सर्कुलर बना लेना, रिंग रिंग तो है नहीं बट बना लेना सर्कुलर रिंग, डिस्क भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी क्या हो रहा होगा, ये पॉइंट पहले यहाँ पे कुछ आगे जाएगा, रोटेट भी कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर रोटेट कर रहा आगे भी जा रहा, पॉइंट ऐसा जाएगा। तो अभी यहां से यहां तक क्या हो रहा है, यहां से यहां तक इसका वन कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है, ये बता रही है समझ में, यहां से यहां तक इसका क्या हो रहा है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन आया ना, साइनोसोइडल नहीं है, साइक्लॉइड होती है, साइन का फंक्शन नहीं होता है, कॉस का फंक्शन नहीं होता, साइक्लॉइड होता है, साइन कॉस दोनों, मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन आता है, डायरेक्ट बताऊंगा कि साइक्लॉइड होता है, बस वो याद रखना, इक्वेशन नहीं जानना है, साइक्लॉइड का इक्वेशन क्या होता है। ये बात आई समझ में क्या, ये बताओ पहले कि एक वन कंप्लीट ऑसिलेशन में ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। तो अगर ये प्योर रोलिंग मोशन है तो ये पॉइंट देखो, इसका हर पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जितना भी पॉइंट आएगा हर पॉइंट इसको टच करेगा, इस सरफेस को, कभी ये पॉइंट यहाँ पे टच करेगा, ये पॉइंट मान लीजिए ऐसा टच करेगा, तो यहां से यहां तक हर पॉइंट इसका जो भी सर्कमफेरेंस रहा होगा, हर पॉइंट इसको टच करेगा या नहीं करेगा यहाँ पे, ये बताओ। अगर हर पॉइंट टच कर रहा है और ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट इसके पॉइंट, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा यहां से यहां तक, वन कंप्लीट ऑसिलेशन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, 2 पाई आर, कितना 2 पाई, अरे बात समझ में कुछ क्या होगा 2 पाई आर। तो यहीं से अब समझ लीजिए, इफ स्टार लगा लिखना इसमें, इफ फर्स्ट लिखना, या व्हेन वी इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो वी इक्वल्स टू ओमेगा आर मतलब प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, इसका मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इतना है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास 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 तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट किसका है, सेंटर ऑफ मास का है। तो क्या बोलेंगे प्योर रोलिंग में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वन कंप्लीट रोटेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वन कंप्लीट रोटेशन कितना जाएगा, 2 पाई आर, कितना हो जाएगा 2 पाई आर, प्योर रोलिंग। अगर ये, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वन कंप्लीट रोटेशन 2 पाई आर है, इसका मतलब वो कैसा होगा, प्योर रोलिंग होगा। अगर ये ऐसा होता, ये तो s इक्वल्स टू 2 आर, अगर ये ऐसा होता s is greater than 2 pi r, conclusion of find करते यहाँ से, if s is greater than 2 pi r, what is more, is it, if s is greater than 2 pi r, इसका मतलब ये हो गया forward slipping, कैसा forward slipping, है ना, अब ऐसा जा रहा था कहीं पे ऐसा स्लिप कर गया होगा, मतलब एक ही पॉइंट जो है इसके कांटेक्ट में रहा होगा और वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा, यहाँ पे एक ही पॉइंट जो है ना किसी टाइम इंटरवल के लिए इसके कांटेक्ट में नहीं हो सकता है, हर इंस्टेंट पे इसका पॉइंट चेंज होगा, हर इंस्टेंट पे इसका जो पॉइंट होगा इसके कॉन्टेक्ट में जो होगा वो चेंज होता रहेगा हर इंस्टेंट पे, बट फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या होगा, ये ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, कहीं पे स्लिप हो गया, तो एक ही पॉइंट जो है किसी टाइम इंटरवल के लिए कॉन्टेक्ट में है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में जितना स्लिप हुआ है वो उतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लेगा, इफ एस इज ग्रेटर देन 2 पाई आर, इसका मतलब फॉरवर्ड स्लिपिंग,
तो ये कैसा हो जाएगा इस केस में, क्या रहा होगा, v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर। अगर ये ऐसा रहा होगा, एस एस लेस देन टू पाई आर, एस एस लेस देन टू पाई आर, टू पाई आर से कम डिस्टेंस, मतलब ये ऐसा जा रहा है बट इसके इसकी जो स्लीपिंग है इस साइड हो गई है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट टू पाई आर से कम होगा। तो ये कैसा है, बैकवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग, कैसा है, बैकवर्ड स्लिपिंग, मतलब v इज लेस देन ओमेगा। ये क्लियर है। और इसका जो पाथ होता है, ये इसका जब आप ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करोगे इस p पॉइंट का, अरे प्योर रोलिंग होगा थोड़ी, फिर प्योर रोलिंग अगर रेस्ट में रहेगा बॉडी एक ही जगह पे रोल कर रहा है उसको प्योर रोलिंग बोलते हैं, उसको प्योर रोटेशनल मोशन बोलते हैं। वो क्या होता है, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोलिंग का मतलब क्या है, आगे भी जाएगा रोटेट भी करेगा लेकिन वो ऐसे आगे मूव कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन इसका वैसा है या रोटेशनल मोशन ऐसा है कि v equals to omega आ रहा जा रहा है, उसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। v equals to omega आ रहा जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्योर रोलिंग। एक ही जगह पे रोटेट कर रहा है उसको प्योर रोलिंग नहीं बोलते, प्योर एक ही जगह पे ऐसा रोटेट करता रहेगा इसको प्योर रोलिंग नहीं, ये प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोलिंग का मतलब आगे भी जाएगा रोटेट भी करेगा, और वो वैसे आगे जा रहा है मूव कर रहा है रोटेट कर रहा है, नहीं मोमेंट ऑफ कपल तो पहले बता दिया, मोमेंट ऑफ कपल बता दिया एक बार, लास्ट में डिस्कस कर दूंगा डाउट आएगा, ठीक है अभी नहीं लास्ट में, तो फिर बिल्कुल फ्लो इधर से उधर हो जाएगा, बता दूंगा लास्ट में एक बार पूछ लेना। तो समझ में आ रही बात, प्योर रोलिंग क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन क्या है, ये आगे तो मूव करेगा ना यार, वी है अभी ऐसा लिया रोटेशन प्योर रोलिंग जिसमें वी नहीं था, वी नहीं होगा तो प्योर रोलिंग हो सकता है क्या, नहीं होगा, उसको प्योर रोटेशनल मोशन बोलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं आ रहा है समझ में, देखो प्योर रोटेशनल मोशन का मीनिंग क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन की मीनिंग ये है कि ये ऐसा है और एक ही जगह पे रोटेट कर रहा है, फैन है, फैन एग्जाम्पल क्या है, फैन एक ही जगह पे रोटेट कर रहा है, सिर्फ इसका ओमेगा है, इसकी कोई वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी इसके सेंटर ऑफ मास की नहीं, लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, उसको बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन, और इसका ओमेगा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन में कभी नहीं देखा होगा कि इसके सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी आ गई, इसके सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी आ गई, कभी नहीं था ऐसा, है ना। लेकिन प्योर रोलिंग मोशन में क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है और रोटेट करता हुआ जा रहा है, तो जैसे व्हील होता है वो आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है, आगे भी जा रहा है रोटेट भी कर रहा है, तो उसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। लेकिन कब बोलेंगे प्योर रोलिंग, जब v इक्वल्स टू ओमेगा हो जाएगा, लेकिन इसके पास v भी है ओमेगा भी है रोटेट भी कर रहा है आगे भी जा रहा है, हो सकता है कि v इक्वल्स टू ओमेगा नहीं है, तो उस केस में रोलिंग विद स्लाइडिंग हो जाएगा या रोलिंग विद स्लिपिंग हो जाएगा, तो उस केस में फॉरवर्ड स्लिपिंग हो सकता है बैकवर्ड स्लिपिंग हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ स्लिप कर रहा है, स्लिप भी कर रहा है रोटेट भी कर रहा है। आई बात समझ में कुछ, ये किसका पार्ट है, ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का पार्ट है, लास्ट लेक्चर से यही बता रहा हूं, ये किसका पार्ट है, किसके अंडर आता है, ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन के अंदर आता है, इसकी लीनियर वेलोसिटी भी होगी और एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। डन, नोट कर लिया इसको, नोट नहीं किया, नोट कर लीजिए।
डन। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे था, कभी ये पॉइंट यहाँ पे आ गया होगा, कुछ टाइम के बाद ये पॉइंट यहाँ पे आ गया होगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया होगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया होगा ऐसे। तो अगर आप इसके लोकस को ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, पैराबोला टाइप दिखेगा, बट पैराबोला नहीं होता है वो, ऐसा दिखेगा इसका लोकस। ये वाला डिस्टेंस एस इक्वल्स टू 2πr है, 2πr मतलब ये प्योर रोलिंग वाला केस। तो ये जो पाथ है, ये जो लोकस है ना, इसके पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ऐसा लोकस मिलेगा। इस लोकस को बोलते हैं साइक्लॉइड, साइक्लॉइड। ये इसका इक्वेशन ऐसा आता है जिसको बोलते हैं साइक्लॉइड, बस सिर्फ लर्न कर लेना है, ठीक है। तो लिखेंगे द पाथ ऑफ अ पॉइंट on circumferences is a cycloid। ऐसा होगा इसका पाथ, cycloid होगा। and ये जो distance है, ये जो point है, ये कितना distance cover किया होगा इस ऐसा, तो वो find कर पाएंगे। अभी यहाँ पे है, उस time पे आया होगा ऐसा ऐसा, तो distance कितना travel किया उसको भी find करेंगे। उसके distance की value होती है 8r, उसको derive करेंगे, but statement लिखेंगे। Yes. फिर इसके बाद ऐसा हो, फिर इसके बाद ऐसा हो, ऐसा जब एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय और मूव्ड बाय बाय दिस पॉइंट this point in one complete rotation is 8r होगा 8r। अब इस 8r को डिराइव करेंगे, इस 8r को डिराइव करेंगे कि 8r कैसे आ गया। ये ऐसा है, मान लीजिए वो पॉइंट पहले यहां पे था, t equals to 0 पे ये पॉइंट यहां पे था, t equals to t पे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, यही p वाला पॉइंट t equals to t पे यहाँ पे आ गया। कितना एंगल कवर किया होगा, थीटा है ना, और ये v से जा रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ये कितना एंगल। अब पता है अपने को
ये v और ओमेगा प्योर रोलिंग मोशन है, तो v इक्वल्स टू ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, फ्रिक्शन अगर एक्ट नहीं करेगा तो ये तो चेंज होने वाला है नहीं, ओमेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी, ओमेगा इंटू टी, थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, ओमेगा इंटू। अब इस P पॉइंट पे अगर आप इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, P डैश बोल दीजिए, जब ये यहाँ पे आएगा P डैश है ना, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, तो अभी फाइंड किया था 2V sin theta by 2। यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2V sin theta by, होगी या नहीं, तो 2V sin theta by 2 होगी इसकी वेलोसिटी। अब अगर डिस्टेंस मेजर करना है, कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, तो उसको कैसे अपन फाइंड करेंगे, तो देखो अपने को पता है कि ये डिस्टेंस मतलब जैसा ये कवर, ये पॉइंट कवर कर रहा होगा, अभी देखो तो वी पी डैश आ गया, 2v sin थीटा, जनरल टर्म आ गया ये, थीटा ले लिया अपन ने, तो अगर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डी एस लिख देता हूँ, या डी कुछ एक्स ही मान लो, ठीक है ज्यादा बेटर है, डी आर, डिस्टेंस को डी आर बोल देता, तो ये हो जाएगा वी पी डैश इंटू वी होता है ना, वी पी डी आर बाई डी टी, तो डी टी हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा R, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ vp dash dt, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2v sin theta by 2 dt, 2v sin theta by 2 dt, तो ये वाली वैल्यू 2 v तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा sin, ये कितना आ जाएगा, theta is omega t by 2 dt, वन कंप्लीट रोटेशन है 0 से, अच्छा t की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 pi by omega, क्योंकि omega कांस्टेंट है, तो वन कंप्लीट रोटेशन में टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये जो अपर लिमिट होगा वो टी, टी की वैल्यू होगी 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है एक बार इसको नोट कर लीजिए, आगे सॉल्व। अरे वही तो डिराइव कर रहे हैं, एटर लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दिया, अभी वही तो डिराइव कर, कैसे आया, क्या डिराइव करेंगे तब आए, ऐसे थोड़ी आ जाए, देखिए एक मिनट हो जाओ, लास्ट पेज डन, यस यस टू कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट के बीच डिस्टेंस नहीं, कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट कैसे फाइंड कर पाओगे तुम, यहाँ पे ये पॉइंट है कितना पॉइंट होगा उसके बीच क्या एंगल बनाओगे तुम, अरे समझ क्या बोल रहा हूँ एक बार फिर से समझ लीजिए, ऐसा था पहले t इक्वल्स टू जीरो पे ऐसा था, तो किसी भी टाइम t पे ये पॉइंट यहाँ पे आया होगा, ये कुछ आगे मूव किया होगा ना, ये कुछ आगे मूव किया होगा, कुछ बात आई समझ में, ये आगे गया होगा और ये पॉइंट यहाँ पे आ गया होगा, नहीं है तो ऐसा करना, रुको इससे पहले एक ड्रॉ कर लेना, इससे पहले ये ड्रॉ कर लो, v ओमेगा t इक्वल्स टू जीरो पे ये पॉइंट p यहाँ पे है और t इक्वल्स टू ये t इक्वल्स टू t है, ठीक है तो कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर लिया होगा, ये t इक्वल्स टू जीरो पे यहाँ पे पॉइंट है, t इक्वल्स टू t पे ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट को भूल जाओ, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, बात आई समझ में, अब पहले ऐसा था तो टी टाइम में कुछ आगे भी जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पे तो नहीं रहेगा, ये वाला बी टी पॉइंट तो इस साइड आ गया, कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो बी पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसको वीपी बोल दो, वीपी Indeed, yes. Here क्या है? Distance. Distance.
ट्रेवल्ड बाय पॉइंट पी, पॉइंट पी इन टाइम डी टी, इन टाइम डी टी। तो ऐसे लिख सकते हैं डी आर इक्वल्स टू वीपी डी टी, वीपी इक्वल्स टू क्या होगा डी आर बाई डी टी, तो डी आर क्या हो जाएगा वीपी डी टी, वीपी डी टी। टी की अपर वैल्यू क्या, क्वेश्चन क्या बोला गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पॉइंट इन वन कंप्लीट रोटेशन, तो वन कंप्लीट रोटेशन ये कितने टाइम में कवर करेगा, वन कंप्लीट रोटेशन में ये कितना हो जाएगा, टू पाई होगा, ओमेगा टी हो जाएगा, तो टी की वैल्यू होगी टू पाई बाय ओमेगा। इन वन कंप्लीट रोटेशन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू कितनी 2 पाई, तो 2 पाई इक्वल्स टू ओमेगा टी, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये ऐसा। आगे मैं सॉल्व करूंगा, देखो कितना आ रहा है, आर की वैल्यू हो जाएगी 2v साइन ओमेगा, 2v साइन, 2v डन साइन, ये आर कितना आ रहा है, आर इक्वल्स टू 2v साइन ओमेगा t बाय 2 इनटू dt 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इक्वल्स टू 2v साइन थीटा साइन टी डी टी, वो वाला हो जाएगा, तो साइन का क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा टू बाई टू अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी ओमेगा बाय, ये कहां से कहां तक, जीरो से टू पाई बाय, आर की वैल्यू कितनी आ रही है, फोर वी बाय ओमेगा, और ये माइनस है तो माइनस को इस साइड रख लीजिए, पुट कर दीजिए वैल्यू कॉस ओमेगा बाय टू टी की वैल्यू टू पाई बाय ओमेगा माइनस ऑफ कॉस जीरो, तो R equals to 4V by omega minus ये आ जाएगा cos pi minus 1 minus 1, तो ये plus 2 हो जाएगा, है ना, तो R की value कितनी हो गई 8V by omega, pure rolling है तो V की value कितनी है omega R by omega, omega से omega cancel out हो गया, तो R की value कितनी हो गई 8R, ये क्या है R, यहाँ पे radius नहीं है, distance, distance covered by a travel by, distance traveled by a point on circumference, point on circumference in one complete rotation, one on circumference का मतलब ये नहीं कि circumference को उतना distance cover कर रहा है, total distance की बात करें कि वो कितना cover है, point जो है वो circumference in one complete rotation, in one complete rotation, ठीक है, ये
डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ना डिफरेंशिएशन। ऑन ए साइन ओमेगा टी आपको कभी बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स कुछ ऐसा लीनियर है, साइन एक्स प्लस पी डी एक्स, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल होगा, ये लीनियर फंक्शन होना चाहिए। तो साइन का सबसे पहले कॉस लिख दीजिए, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिख दीजिए, लीनियर फंक्शन है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे ए है तो ये आ जाता है। ये लिमिट्स नहीं ले रहा है इसलिए प्लस सी पे, तो यहाँ पे क्या है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये सब। तो साइन का सबसे पहले कॉस लिख दिया, जो भी फंक्शन है वो फंक्शन लिख दिया, और टी का पावर वन है मतलब लीनियर फंक्शन है, तो डायरेक्ट जो फंक्शन है वो लिख दिया, लीनियर होना चाहिए तभी साइन का कॉस होता है। तो साइन का पहले कॉस के टर्म्स में लिख दिया, तो कॉस लीनियर है तो लीनियर जो भी लिखे फंक्शन है वो लिख दिया, अपॉन कोएफिशिएंट यहाँ पे टी वेरिएबल, यहाँ पे एक्स वेरिएबल था, यहाँ पे टी वेरिएबल है तो कोएफिशिएंट ऑफ जो टी होगा वो आएगा डिनोमिनेटर में, कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है ओमेगा बाय टू, तो डिनोमिनेटर में आ गया ओमेगा बाय टू। अब यहाँ से टू यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा, इस साइड आ जाएगा माइनस, एक बार इसकी वैल्यू पुट कर दिया, एक बार लोअर लिमिट पुट कर दिया, तो यहाँ से ये आ जा रहा है, पता है साइन एक्स प्लस बी डी एक्स क्या आएगा, कॉस माइनस कॉस, जो भी फंक्शन रहेगा लीनियर वो अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बताया। हाँ आएगा आएगा, मैथ्स में तो आना ही है, फिजिक्स में तो बहुत ही कम सीखा था, मैथ्स में तो बहुत कुछ आएगा यार। अब देखो यहाँ से ये एक डेस्क है और यहाँ पे एक प्लैंक है ऐसा, और यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक प्लैंक डेस्क। इस डिस्क का जो रेडियस है वो आर है, डिस्क है इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस क्या है, और ये जो प्लैंक है ए और ये प्लैंक बी, ये प्लैंक इस डायरेक्शन में जा रहा है वी से, और ये प्लैंक इस डायरेक्शन में जा रहा है टू वी से, ये प्लैंक इस डायरेक्शन में वी से और ये प्लैंक इस डायरेक्शन में टू वी से। क्वेश्चन ऐसा नहीं, अ यूनिफॉर्म प्लैंक डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर रोल्स परफेक्टली मतलब प्योर रोलिंग ओवर टू हॉरिजॉन्टल प्लैंक। नोट कर लीजिए इतना, नोट कर लिया इसको। अरे नोट किया इतना पहले,
फाइंड फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क. सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क फाइंड कीजिए. माइनस टू वी का मतलब नहीं होता है, माइनस टू वी मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है ना. यहां से दोनों जगह पे प्योर रोलिंग है. ये सर देख लेते कितना है यहाँ पे. अब ये इस डायरेक्शन में वी से जा रहा है, इस डायरेक्शन में टू बी से जा रहा है. अगर इस डायरेक्शन में टू बी से जा रहा है तो वैसे समझ लें, देखो इस डायरेक्शन में अगर ये टू बी से जा रहा है तो ये जो डेस्क है इसकी जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे टू बी होगी, है ना. और इस पॉइंट पे इस डिस्क की वेलोसिटी कितनी होगी, तो इस पॉइंट पे इस डिस्क की वेलोसिटी भी वी होगी. यहाँ पे टू बी है, यहाँ पे वी है, इसका मतलब ये हुआ कि वी और ओमेगा आर दोनों यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होना चाहिए और यहाँ पे ओपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होना चाहिए और यहाँ पे ओपोजिट, तभी ये मतलब वैल्यू कम होगी, यहाँ पे ग्रेटर होगी. अगर आपको किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम करना है अज्यूम कर लीजिए, आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं. आंसर में किसी का अगर नेगेटिव आ जा रहा है इसका मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है. आई बात समझ में? तो ये इसका VCM मान लेते हैं और ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ओमेगा से ऐसे रोटेट. आप किसी ने इस डायरेक्शन में माना चलेगा, आंसर उसका नेगेटिव आ जाएगा और कुछ नहीं. मुझे ये टू वी है, ये वी है, तो ये लगा कि अगर ये VCM ओमेगा इस डायरेक्शन में होगा तो टू वी हो सकता है, और यहाँ पे दोनों ऑपोजिट होगा तभी मतलब टू वी का हाफ होगा यहाँ पे, इसलिए मैंने इसका डायरेक्शन ऐसा कंसिडर कर लिया. आपको जिस डायरेक्शन में अज्यूम करना है अज्यूम कर लीजिए, अगर आंसर उस डायरेक्शन में नेगेटिव आ रहा है मतलब आपका अजम्पशन रॉन्ग, आपका अजम्पशन क्या है रॉन्ग. आई बात समझ? तो यहां से क्या आएगा, अब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो VCM प्लस ओमेगा आर. इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा VCM और ये हो जाएगा ओमेगा आर. तो यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा आर माइनस VCM इक्वल्स टू वी, इक्वेशन वन. यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, VCM प्लस ओमेगा आर इक्वल्स टू टू वी, इक्वेशन होगा या नहीं होगा. ऐड कर दीजिए दोनों को, तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम
वन एंड टू, तो ये जाएगा तो हो जाएगा टू ओमेगा आर इक्वल्स टू थ्री वी। यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी थ्री वी बाई टू आर। पॉजिटिव आ रहा है मतलब अजम्पशन करेक्ट, पॉजिटिव आ रहा है मतलब अजम्पशन करेक्ट। अब फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन या टू को लिख देता हूं, तो VCM कितना आ जाएगा यहां से टू वी माइनस ओमेगा आर। तो टू वी माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी है थ्री वी बाई टू आर इन टू आर, आर से आर जाएगा तो ये कितना आ रहा है टू वी माइनस थ्री वी बाई टू। तो एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा टू फोर वी माइनस थ्री वी, ये हो जाएगा वी बाई टू। मतलब ये भी पॉजिटिव आ रहा है मतलब अजम्पशन सही है। अगर यही नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब ये डायरेक्शन में ये मूव नहीं करता, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर है। नोट कर लो इसको, क्यों होना चाहिए VCM माइनस ओमेगा आर, क्यों होना चाहिए बताओ पहले। VCM माइनस ओमेगा आर क्यों होना चाहिए तो बताइए, क्या होता है रिलेटिव मोशन का क्या कॉन्सेप्ट, रिलेटिव मोशन का क्या कॉन्सेप्ट, ये तो बताओ पहले। अरे क्यों होना चाहिए तो बताओ, तब तुम्हारा डाउट्स क्लियर होगा। मैं बता दूंगा तो फिर तुम्हारे डाउट्स तो डाउट्स ही रह जाएंगे। तुम वैसा क्यों बोल रहे हो कि सर यहाँ पे VCM माइनस ओमेगा आर होना चाहिए, तो बताओ पहले। मैंने ऐसा लिखा है तो मैं तो बता दूंगा ना यार, तुमने वैसा क्यों सोचा कि ये VCM माइनस ओमेगा आर होना चाहिए। अरे कुछ तो बोलो यार, देखो यहाँ पे क्या है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये जो डिस्क होगा इसका ये पॉइंट भी इसी डायरेक्शन में जाएगा और सेम वेलोसिटी से जाएगा, है ना, तभी इसके और इसके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, वरना रिलेटिव मोशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके और इसके बीच कोई रिलेटिव मोशन, इस पॉइंट इसका जो ये रोलिंग बॉडी है डिस्क है, इसका जो ये पॉइंट जितने वेलोसिटी से जा रहा होगा ये प्लैंक भी उतनी ही वेलोसिटी से जाएगा, तभी तो रिलेटिव मोशन जीरो होगा ना इसका और इसका। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, जैसे प्लैंक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी, तो ओमेगा आर माइनस VCM, ओमेगा आर माइनस VCM, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओमेगा आर माइनस VCM। अब यहाँ पे ये प्लैंक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये जो डिस्क है इसके इस पॉइंट की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, तभी तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। अगर इसकी वेलोसिटी को आप यहाँ पे नेट वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में कर देंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगा। ओके सर बोलने से काम नहीं चलता है, समझ में आना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों बोला VCM माइनस ओमेगा आर हो जाएगा, ये समझ में आना चाहिए। आई बात समझ में, ये क्लियर होना चाहिए कि VCM माइनस ओमेगा आर नहीं होगी, यहाँ पे ओमेगा आर माइनस VCM होगा और VCM प्लस ओमेगा, क्लियर है।
किसी भी डायरेक्शन में लो ना, मैं दूसरे भी डायरेक्शन में लेकर सॉल्व करूंगा, आंसर मेरा यही है, किसी भी डायरेक्शन में बोल दो, बट नेगेटिव हो जाएगा, रॉन्ग आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आंसर वही है, किसी भी डायरेक्शन में आप ले लीजिए, आंसर में कोई चेंज नहीं आना है। एक फिर से ये मिस्टेक नहीं करना है, ये मिस्टेक नहीं करना है कि तो सर प्लेन के रेस्पेक्ट में क्या किया, बताता हूं उसको। ये बताओ क्या इस पॉइंट की, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM, क्या इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम है? ओमेगा से रोटेट, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी VCM, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी प्योर रोलिंग अगर होगा तो कुछ और होगा, तो इक्वल नहीं है ना। तो ऐसा नहीं कि डिस्क को रेस्ट में ला दिया और इससे कंपेयर कर रहे, डिस्क को रेस्ट में ला दिया और इससे कंपेयर कर, रॉन्ग हो जाएगा फिर कुछ। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पे वो रिलेटिव, रिलेटिव किससे देख रहे हैं, इससे देख रहे हैं ना, किससे देख रहे हैं, इससे देख रहे हैं। क्या हो तब, वही काम तो मैं भी कर रहा हूँ यार, वही काम तो मैं भी कर रहा हूँ। देखो यहां से मैं कौन सा दूसरा काम कर रहा हूं, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी, अगर किसी ने, मैंने इस डायरेक्शन में लिया था, इस डायरेक्शन में मान लेता हूं मैं अभी, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी लिखोगे, VCM प्लस ओमेगा आर, और ये V, तुम यही बोल रहे हो ना, इस पॉइंट को रेस्ट में ला, रेस्ट में लाओगे तो क्या करोगे, ऐसे ही लिखोगे ना, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक माइनस इंटू दिस पॉइंट पी इक्वल्स टू, यही लिखोगे ना, और क्या लिखो, इस सी के रेस्पेक्ट में ये जीरो हो गया, तो यहां से क्या आएगा, वी प्लैंक माइनस वीपी इक्वल्स टू जीरो, इससे भी तो वही वही चीज तो लिख रहा था मैं, वीपी वी इक्वल्स टू VCM प्लस ओमेगा, यही तो लिख रहा था। तो डायरेक्ट कर दो ना, दिस इक्वल्स टू दिस, इतना क्यों करना, ये तो बताया है स्टार्टिंग में कि ऐसे ही करते हैं, फिर मैंने बोला कि बार बार इतने स्टेप्स को क्यों इंक्रीज, मतलब ये नंबर ऑफ स्टेप्स क्यों इंक्रीज हो जाएगा, है ना, तो वो काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, ये पता है अपने को, तो ये डायरेक्ट इतना स्टेप। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब देखो मैं ऐसे, किसी को तो ऐसा भी लग रहा है कि सर एक बार ऐसा भी करो ना यार, इसको इस डायरेक्शन में अज्यूम करो ना सर, फिर सॉल्व करो ओमेगा से, कर देता हूं वो भी, इस पॉइंट की वेलोसिटी अभी क्या हो, VCM प्लस ओमेगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो, इस डायरेक्शन में VCM, इस डायरेक्शन में ओमेगा, है ना, तो ये प्लैंक जो था यहाँ पे, ये प्लैंक इस डायरेक्शन में V से जा रहा है, और यहाँ पे जो प्लैंक है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 2V से, तो यहाँ से प्योर रोलिंग है, तो दिस इक्वल्स टू दिस लिखना पड़ेगा, VCM प्लस ओमेगा इक्वल्स टू V हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ से ओमेगा आर माइनस VCM, है ना, ओमेगा आर माइनस VCM इक्वल्स टू 2V लिखना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ जाएगा, 2 ओमेगा आर इक्वल्स टू 3V, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 3V बाई, ये भी आ गया वैसा, अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर दीजिए, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 1 VCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, V माइनस ओमेगा आर, तो V माइनस ओमेगा, ओमेगा 3V बाई 2 आर इन टू आर, आर से आर जाएगा, तो V माइनस 3V बाई 2, ये हो जाएगा 2V माइनस 3V बाई 2, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस V बाई 2, देखो नेगेटिव आ गया, ये क्या आ गया, नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जो अजम्पशन लिया है ये राइटवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में जाएगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर है, इसीलिए डायरेक्शन में कोई ये नहीं है। हाँ जी नोट कर लीजिए इसको, देखिए कहाँ पे क्या है,
क्वेश्चन है सादियो। हाँ, स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, एंड रेडियस स्लिप्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस और यह ऐसा दिया सिर्फ स्फीयरली का मतलब सॉलिड स्फीयर, हॉलो होगा तो स्पेसिफाइड, मतलब वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि हॉलो है, अज्यूम नहीं करना होता अगर, लेकिन स्फीयर लिखा तो सॉलिड। ये ऐसा है किसी भी इंस्टेंट पे, यही इसी को मान लीजिए कि t equals to zero पे इसकी वेलोसिटी v है, v नॉट है, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट से, और ओमेगा नॉट की वैल्यू गिवन है v नॉट बाय 2r, क्या गिवन है v नॉट बाय 2r, r क्या है इसका रेडियस, ये गिवन है, r क्या है इसका रेडियस, और यहाँ पे फ्रिक्शन रफ सरफेस है ये पूरा। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, find the translational velocity and angular velocity of center of mass, of a sphere. Also, find the time at which it starts pure rolling. ये pure rolling नहीं, it starts pure rolling. ये pure rolling नहीं, solve करोगे दिखेगा कि ये pure rolling. कौन सा डायग्राम, ये v नॉट से जा रहा है और ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, ओमेगा नॉट की वैल्यू v नॉट बाय 2 आ रहा है और इसका रेडियस r है, किसी t equals to 0 पे, यहीं से टाइम मतलब काउंट करेंगे अपन, t equals to 0 पे ऐसा सिचुएशन गिवन है, कंडीशन ये दिया हुआ है कि v नॉट है ओमेगा नॉट है, आपको बताना है ये सरफेस जो है वो रफ है, आपको बताना है फाइंड द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर, मतलब इसकी इसका वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास क्या होगा और इसका ओमेगा क्या होगा ये बताना है। आल्सो फाइंड द टाइम एट व्हिच इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, कितने टाइम में ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा ये भी आपको बताना है। कैसे किया 6v0/7, नॉर्मल से हर बुक में मिल जाता है ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं, कैसे किया 6v0/7 ये बताओ ना, कोई फायदा नहीं है ऐसे। HCV में भी शायद illustrations है या कहीं पे मिल जाएगा, क्या मेथड यूज किया ये तो बताओ, क्या यूज किया, टाइम बताओ कितना आ रहा है, इसका टाइम भी बताना एक बार, क्योंकि वो अगर वेलोसिटी आ गई है तो टाइम भी आ जाएगा, टाइम बताना एक बार। नहीं यार मुझे टाइम बताओ एक बार तभी तो समझेगा ना यार, अरे ये इतना कभी कभी स्लो नोट करता है, कभी कभी बोलता है कि सर, अरे कभी कभी बोलता है कि सर अभी अभी छोड़ दो मजा नहीं आ रहा है, तो अभी मुझे पूछना पड़ेगा।
वो तो है बट टाइम ना मुझे तुमको आए नहीं टाइम बताओ ना टाइम, वो तो पता है कि मुझे तो पता ही है कि टाइम की जरूरत नहीं है उसको फाइंड करने के लिए, दो तीन मेथड है उससे फाइंड क्या किया। अच्छा टाइम टाइम नहीं, टाइम को फाइंड कर पाए वेलोसिटी करने के लिए, तो तुम मुझे ये बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज किया जो ये आ गया, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया। नहीं मत भेजो मत भेजो सर से, मत भेजो मत भेजो। क्वेश्चन नोट कर लिया है, सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले, बाकी सब आपसे हो जाएगा। यहाँ v नॉट नॉट इनटू r करेंगे कि बार कितनी है, v नॉट बाय 2r इनटू r है ना, तो ये कितना हो जाएगा v नॉट बाय 2 व्हिच इज लेस देन v नॉट। तो यहाँ पे क्या है, ओमेगा नॉट r इज लेस देन v नॉट ग्रेटर है, v नॉट क्या है और ये ओमेगा नॉट है, तो यहां से v नॉट ग्रेटर है ओमेगा नॉट r के, है ना। तो v नॉट ग्रेटर है मतलब ये कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड। तो यहां पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फ्रिक्शन होगा काइनेटिक, है ना, और ये किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा एफ के, ये बैकवर्ड डायरेक्शन है ना, बैकवर्ड्स। ये क्लियर है, ये बात आई समझ में, एक पॉइंट को समझिए। एक क्वेश्चन अच्छे से आ गया ना तो कैसा भी क्वेश्चन इस पे आ जाएगा आपसे सॉल्व हो जाएगा, बट एक क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या है। ये देखो अभी इसकी वेलोसिटी v नॉट है, ये ओमेगा नॉट है, इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एक ही फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस स्फीयर पे एक ही फोर्स है और वो है फ्रिक्शन। वो क्या है, फ्रिक्शन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मान लीजिए, यहाँ पे टाइम चाहिए तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको चाहिए, क्वेश्चन में लिख लेना यहाँ पे म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, टाइम चाहिए तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा तो म्यू। अभी फ्रिक्शन को मैं ऐसे लिखता हूँ, म्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं, देखो यहाँ से एफ, अब ये पता है कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, अगर मुझे वैल्यू भी फाइंड करनी होती तो म्यू एन, एन की वैल्यू कितनी होती है, एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में, म्यू एमजी आता है ना। अब देखो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इस फ्रिक्शन की वजह से इसका जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का इस डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आप देखेंगे तो यहां से F equals to M into ACM, ये आ जाएगा म्यू एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए सी एम, एम सी एम कैंसल आउट, एम सी एम कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से एक ए सी एम की वैल्यू हो जाएगी म्यू जी, एसीएम क्या आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ ये जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बिकॉज़ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। ये बात आई समझ में, आया ना। अब देखो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के बोर्ड अगर आप टॉर्क फाइंड करेंगे तो एम जी तो इसी लाइन से पास हो रहा है,
नॉर्मल भी इसी लाइन से पास, इसी पॉइंट से पास हो रहा है, नॉर्मल भी और एमजी भी, तो उन दोनों का टॉर्क तो जीरो आएगा, टॉर्क सिर्फ किसका आएगा, फ्रिक्शन का आएगा। इस पॉइंट के अबाउट एमजी इसी पॉइंट से जा रहा है, टॉर्क जीरो, नॉर्मल इसी पॉइंट से जा रहा है, टॉर्क जीरो, टॉर्क आएगा किसका, फ्रिक्शन का आएगा। तो टॉर्क इसका अगर आप फाइंड करेंगे तो देखो आर ये है, एफ ये है, तो आर को थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे, दोनों का टेल एक पॉइंट पे आ गया है, तो आर क्रॉस एफ इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, आर क्रॉस एफ के लिए तो कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, ऐसा रखा, कॉल किया, कॉल करने की जरूरत तो है नहीं, एक बार आपने ऐसा टेल बना दिया ऐसा, तो ये आर है, ये एफ है, आर से एफ के टूवर्ड्स जाना, एक बार आपने एंगल बना लिया, एंगल बन गया ये, अब आर से एफ के टूवर्ड्स जाइए, आर से एफ के टूवर्ड्स जा रहेंगे, तो एरो ऐसा बनाना पड़ेगा, एरो ऐसा बना रहे मतलब क्लॉकवाइज है ना, या ऐसे भी करते तो क्लॉक, बट इससे ज्यादा इजी तो ये होता है कि एरो ऐसा बना दे क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका टॉर्क आ रहा है, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ ये कितना आ रहा है, आर इंटू एफ, और टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा इक्वल्स टू आर इंटू म्यू एम जी, और आई की वैल्यू इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा इक्वल्स टू आर इंटू म्यू एम जी। अब ऐसा नहीं कि आर यहाँ पे आपको ये नहीं लिख देना है कि ए इक्वल्स टू ए सी एम इक्वल्स टू अल्फा आर, ये कभी मत करना, अभी पता है कि अभी ये प्योर रोलिंग में है ही नहीं, तो ये आएगा ही नहीं, ये आएगा, तो यहाँ से एम सी एम कैंसल आउट हो जाएगा। अरे प्योर रोलिंग का कंडीशन अभी थोड़ी आया है, प्योर रोलिंग में है क्या ये तो फॉरवर्ड स्लिपिंग कर रहा है, एम सी एम कैंसल आउट हो गया, एक आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आई है, 5 μg/2r। अब देखो ये टॉर्क आया किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, अगर ये टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है इसका मतलब इसका अल्फा भी किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज। हाँ ठीक है, ठीक, लास्ट में लेना, लास्ट में मैं खुद से बता दूं, ठीक है, देखो यहां अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 5 μg/2r, 5 μg/α की वैल्यू होगी 5 μg/2r, ठीक है। अब ये 5 μg/2r हो गई, अल्फा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, अल्फा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। अब मुझे बताओ ओमेगा भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इनिशियल ओमेगा जो है, और अल्फा भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है इसका मतलब ये क्या होगा, है ना, अल्फा विल इंक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अल्फा क्या करेगा, ओमेगा को इंक्रीज करेगा, तो यहां से ACM क्या कर रहा है, ACM V नॉट को डिक्रीज कर रहा है, अल्फा ओमेगा को इंक्रीज कर रहा है, तो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, तो कुछ टाइम के बाद ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, तो ओमेगा R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, है ना, क्योंकि V डिक्रीज हो रहा है, V क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ओमेगा इंक्रीज हो जाएगी, तो ओमेगा आर वी के इक्वल हो जाएगा, पहले वी ग्रेटर था, है ना, तो वो तो डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा क्या, ओमेगा आर स्मॉलर था, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, तो ओमेगा आर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आफ्टर सम टाइम वी इक्वल्स टू ओमेगा आर हो जाएगा, मतलब प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट करेगा। इतनी बात आई समझ में, टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, तो देखो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या आएगा, ये इस, ये फोर्स है, mg तो इसी पॉइंट से पास होगा, नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास होगा, तो जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट क्या आएगा, ये r और f परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क हो जाएगा r इनटू f, r f की वैल्यू म्यू mg, टॉर्क क्या होता है, I अल्फा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/5 mr स्क्वायर इनटू अल्फा इक्वल्स टू r इनटू म्यू mg, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 5 μg/2r, और ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे देखेंगे, तो R को थोड़ा सा बताया है, शिफ्ट कर देना है दोनों के टेल को एक पॉइंट पे, दोनों का टेल जो है एक पॉइंट पे आ गया है, F एंड R का जो टेल है वो एक पॉइंट पे आ चुका है, अब एक पॉइंट पे आ गया है तो एंगल ये हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो R से F के टूवर्ड्स जाना होता है, तो R से F के टूवर्ड्स जाइए तो एरो बनाना पड़ेगा, एरो बनाइए तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो यहां से भी देख सकते हैं कि टॉर्क क्या आएगा, क्लॉकवाइज, है ना, अगर टॉर्क क्लॉकवाइज है तो अल्फा भी किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में है, है ना, तो अल्फा विल इंक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर, और एसीएम जो होगा, एसीएम विल डिक्रीज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो आफ्टर सम टाइम v इक्वल्स टू ओमेगा आर हो जाएगा, तो वो कैसा कंडीशन हो जाएगा, प्योर रोलिंग का कंडीशन हो जाएगा, क्लियर।
मैक्सिमम क्वेश्चन में यही सब यूज करना है आपको, एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। टाइम की वैल्यू इजी आते हैं, देखो एक बार कहीं मिस्टेक क्या होगा। टाइम की वैल्यू होती है वी नॉट बाय सेवन यूज, वी नॉट बाय सेवन यूज, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक, या तुमने ओमेगा की वैल्यू पुट नहीं की होगी वी नॉट बाय टू आर। देखो t equals to t, मान ले t equals to t, it starts pure early, फिर it starts pure, उसके क्या होगा v equals to r आ जाएगा। अब v retard कर रहा है तो acceleration तो constant है, alpha भी constant है, acceleration friction थोड़ी change हो रहा है, अरे pure तक friction तो वही रहेगा ना, जब pure rolling start होगा उसके बाद friction की value zero हो जाएगी, उससे पहले तो वही रहेगा, तो तब तक कितना है v equals to, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं v naught minus acm into t, retard कर रहा है, omega क्या हो जाएगा omega naught plus alpha t, accelerate कर रहा था ये into r, ये बात आई समझ में क्या, ये बात जब ये pure rolling start करेगा तो v equals to omega r हो जाएगा ना, मान लेते हैं कि अभी इस instant पे t equals to t पे v है और ये omega से rotate कर रहा है, तो v equals to omega r हो जाएगा।
तो वी क्या होगा, ये रिटार्ड कर रहा था और एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट था, और ये ओमेगा जो है ओमेगा की डायरेक्शन में अल्फा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और अल्फा कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, एसीएम भी चेंज नहीं हो रहा है, एसीएम क्या था म्यू जी, म्यू चेंज हो रहा है क्या इस, और अल्फा क्या था, अल्फा था आपका 5 म्यू जी बाय 2, 5 म्यू जी बाय 2r, 5 म्यू जी बाय 2r, वो भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसा लिख सकते हैं उसको v इक्वल्स टू u प्लस at लिखा है, रिटार्ड कर रहा है इसीलिए माइनस, ओमेगा ओमेगा नॉट सेम डायरेक्शन इसीलिए प्लस। अरे हाँ यार ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट क्या है v नॉट, अल्फा कितना है 5 म्यू जी बाय r 2r इंटू टी इंटू r, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी v नॉट माइनस म्यू जी टी इक्वल्स टू r को मल्टीप्लाई कर दो तो v नॉट बाय 2 हो जाएगा, और ये r जाएगा तो 5 म्यू जी टी बाय 2 आ जाएगा, इसको इस साइड इसको इस साइड, तो v नॉट माइनस v नॉट बाय 2 इक्वल्स टू म्यू जी टी प्लस 5 म्यू जी टी बाय 2, तो ये आ जाएगा v नॉट बाय 2 equals to 2 plus 2 mu gt plus 5 mu gt, 2 से 2 cancel out हो गया, तो v naught की value कितनी हो जाएगी 7 mu gt, तो time कितना जाएगा v naught by 7 mu gt, तो एक question का answer ये हो गया। अब v find करना है, तो v की value क्या है, v naught minus acm into t, यही है ना, तो v naught minus acm की value कितनी है mu g, t की value कितनी है v naught by 7 mu gt, म्यू जी से म्यू जी कैंसिल, तो ये आ गई वैल्यू वी नॉट माइनस वी नॉट बाई 7, तो ये हो जाएगा 6 वी नॉट बाई 7, एंड ओमेगा कितना आ जाएगा, तो v ओमेगा को डायरेक्टली फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, या v इक्वल्स टू ओमेगा 6 वी नॉट ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू 6 वी नॉट 7 ना, ये आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। हां एक और मेथड बताता हूं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डायरेक्ट, वो भी बताता हूँ, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, डायरेक्ट आ जाएगा, कुछ नहीं टाइम नहीं फाइंड करना होता है, 3 और 4 इसका आंसर आएगा उसमें, देखते हैं वो भी बताता हूँ, वी नॉट बाई 2r प्लस ये 5 म्यू जी टी बाई 2r, और ये कितना है वी नॉट बाई 7 म्यू जी, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 वी नॉट बाई 7। आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, नोट ये मेथड क्यों बताया है, इससे आप टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी मतलब मुझे एनालाइज कराना था, विजुअलाइज कराना था उन चीजों को, कि कैसे वो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना, कैसे टॉर्क जो है ओमेगा को इंक्रीज करा रहा है, फोर्स एसीएम को फोर्स जो है वो वेलोसिटी को डिक्रीज करा रहा था, इसलिए मैंने ये मेथड यूज किया। अब बता दो, इससे बहुत सिंपल सा मेथड है, 3 to 4 स्टेप में हमेशा आंसर आएगा, 3 to 4 स्टेप, अगर सिर्फ वेलोसिटी पूछा है तो 3 to 4 स्टेप, या एंगुलर वेलोसिटी पूछा है तो हमेशा 3 to 4 स्टेप में आंसर, ऑलवेज।
नोट कर लिया इसको। थोड़ा फास्ट करो यार। डन। देखो अल्टरनेटिव सिंपल हो जाता है बहुत, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा सॉल्व नहीं करना होता है। टी इक्वल्स टू क्या बन गया ये, t इक्वल्स टू जीरो पे ये यहाँ पे ऐसा है, ये v नॉट से जा रहा था और ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा था। किसी भी टाइम t पे मान लेते हैं कि ये प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर रहा है, ये v है और ये ओमेगा r है और ये प्योर रोलिंग है तो v इक्वल्स टू ओमेगा r आ जाए, v इक्वल्स टू ओमेगा r। अब मुझे बताओ अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करूं, टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करूं, इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क फाइंड करूंगा तो देखो एमजी भी इसी पॉइंट से पास होगा, नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास होगा और जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो भी इसी पॉइंट से पास होगा। तो क्या टॉर्क अबाउट पॉइंट पी जीरो है? क्या टॉर्क अबाउट पॉइंट पी जीरो है? हेंस एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइन। क्या लग रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहले क्या बताया था आपको, इससे पहले सेंटर ऑफ मास तक आपको क्या बताया था कि आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अगर एक जनरल सा क्वेश्चन होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि रेलिंग मोशन है, ये दिखेगा मैकेनिक्स का करना है, तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये भी आपको में आ रहा है कि ये जैसे अगर मान ली वन डी मोशन से नहीं हो रहा है तो आपको करना है जनरल सा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया है ना, या वॉक थ्योरम, वॉक एनर्जी थ्योरम। आज से एक और टूल आ गया, ये थर्ड इंपोर्टेंट टूल ऑफ मैकेनिक्स, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड क्या, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। तो अगर वेलोसिटी रोटेशन में अगर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी होती है तो एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए, देखिए कहीं पे टॉर्क जीरो तो नहीं है, तो कहीं पे ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो लगेगा या नहीं लगेगा, एक बार ये चेक करना जरूरी है। वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी या पता है टॉर्क व्हाट पॉइंट इज टू है तो इनिशियली वेल फाइनल हो जाएगा, हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां से देखिए पॉइंट के व्हाट टॉर्क तो ये भी कर रहा है रोटेट भी कर रहा है, तो एमवी नॉट आर होएगा, ये किस डायरेक्शन में आएगा, तो आर ये है, आर ये है और वी ये है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा आर क्रॉस वी क्लॉकवाइज, ओमेगा भी क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज होता ओमेगा एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज होता ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज होता तो नेगेटिव है, बट दोनों क्लॉकवाइज आ रहा है इसीलिए प्लस। एल फाइनल ये भी देखो आर ऐसा, आर को थोड़ा सा शिफ्ट करो, आर क्रॉस वी देखना पड़ेगा, आर क्रॉस पी होता है तो आर क्रॉस वी देखेंगे क्योंकि पी क्या होगा एम वी, तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों को ऐड करके क्वेश्चन हो गया खत्म। आ गई वेलोसिटी एम वी नॉट आर प्लस टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर वी नॉट बाई टू आर, और यहां से आ जाएगा एम वी आर प्लस टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी वी बाई आर, वी बाय आर। तो देखो यहाँ से एक आर कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी एक आर कैंसल आउट होगा, फिर एम आर जाएगा, एम आर
है ना, ये यहाँ से टू भी जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई वी नॉट प्लस वी नॉट बाई फाइव, ये वैल्यू हो जाएगी वी प्लस टू वी बाई फाइव। ये हो गया कितना, सिक्स वी नॉट बाई फाइव, ये हो गया सेवन वी बाई फाइव, v की वैल्यू 6v नॉट बाई 7 आंसर आ जाएगा। से 3 टू 4 स्टेप मारते हैं वेलोसिटी। अब यहां से वेलोसिटी आ गई तो एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी, v इक्वल्स टू ओमेगा r। अब ip लिया है ना, अरे ip ये बताओ, ये यहां से जा रहा है इसी पॉइंट के व्हाट कंसीडर कर रहे हैं, तभी तो ये v नॉट से जा रहा है, तभी तो mv आ रहा है ना। बट ये रोटेट किसके अबाउट कर रहा है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है क्या? अरे रोटेट किसके अबाउट कर रहा है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ना, रोटेट इसके अबाउट करेगा ना वो, तो icm इनटू ओमेगा लिखेंगे ना, फिर इसके अबाउट थोड़ी रोटेट कर रहा है। हाँ बट अगर आप डायरेक्ट ऐसा लिखते, अगर आप अज्यूम कर लेते कि मुझे इसके अबाउट रोटेट कराना है तो अलग केस हो जाता, उसको मैं यहां से IP फाइंड करता, फिर ये VR नहीं आता, वो आगे आएगा कुछ बताऊंगा आगे। तो किसके अबाउट रोटेट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ये अभी जो रोटेट कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो इसीलिए ICM into omega naught, और VCM से जा रहा है इस पॉइंट के अबाउट, क्लियर है? तो जिसके अबाउट रोटेट करता है वही ICM कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये वी नॉट इन टू आर हो जाएगा, तो यहाँ से यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ ओमेगा v by r, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6 v नॉट बाय 7 r। अब देखो अगर टाइम फाइंड करना होता ना, टाइम फाइंड कर लेते हैं, इस केस में क्या होता है, इस मेथड में जब आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं ना, टॉर्क फाइंड करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, सिर्फ आपको पता है इस साइड फ्रिक्शन लगेगा, इस साइड इसकी वेलोसिटी v नॉट है, इस साइड एक्सेलरेशन है, a की वैल्यू हो जाएगी f by m, तो ये जाएगा μ mg by m, ये हो जाएगा μ g, तो v equals to क्या आ जाएगा, v not minus acm into t, तो ये हो गया 6 v not by v 7 equals to v not minus mu g into t, तो यहां से टाइम की वैल्यू आ जाएगी आपको v not by 7, तो यहां से आप टाइम भी फाइंड कर सकते, सिंपल हो जाता है ये। तो आगे से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेथड लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वहां से चीजें विजुअलाइज हो रही थी और यहां से आपको समझ में आ रहा है टॉर्क जीरो है, तो ये टूल यूज करेंगे। तो अभी से कहीं पे आपको रोटेशन दिखेगा और आपको वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो आपको ये ट्राई करना है, या तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही दोनों का मैक्सिमम चांसेस, या बोथ या दोनों यूज हो। ठीक है, नोट कर लीजिए, आज के लिए नहीं रहेगा, देखता हूँ कुछ होमवर्क मिल सकता है आपको। आपको अब डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन वाला होमवर्क, टीडब्ल्यूटी में क्या डाउट्स है, डाउट्स क्या आ गए टीडब्ल्यूटी? हाँ एक दो क्वेश्चन देखा था, एक दो क्वेश्चन पता नहीं वो टॉप लिंक का उसने दे दिया था, टॉप लिंक को नहीं चाहिए था, टॉप लिंक का भी बताया नहीं आपको, दो क्वेश्चन है टॉप लिंक का, वो नहीं होना चाहिए, बाकी तो आपसे हो जाना चाहिए, बाकी तो आपसे। हाँ जी ये नोट कर लो, दो क्वेश्चन टॉप लिंक का है, वो आपको डाउट्स है तो वो डाउट्स को डाउट्स रहने दीजिए, जब टॉप लिंक में बताऊंगा तो आपसे खुद से आंसर आ जाएगा, जब एक बार टॉप लिंक में एक्सप्लेन करूंगा तो खुद से आंसर है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो एक बार बोलो क्या है, बोलो मैं थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन कर देता हूं, कम से कम ये तो बोल ही दूंगा, ये कर लो वो कर लो, एक मिनट देखने, क्वेश्चन नंबर बोलिए, क्वेश्चन नंबर तक देख लेता हूँ किधर है, तो किसी ने तो सेंड किया था, तुम लोग चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं, चलो बाय। तो एक बार नोट्स को रिवाइज कीजिए, है ना, कैसे क्या हो रहा है, एकदम सिंपल है, रोलिंग मोशन जो है ना सिंपल है, लगता टफ है बट अगर आप बिल्कुल आराम से पढ़ोगे ना, समझोगे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिंपल। बता नहीं यार तुम आंसर कैसे कर देते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तुम्हारा आंसर आ जाता है और फर्स्ट टाइम तो नहीं आया, हमेशा तो आता है आंसर, बट आता कैसे आंसर,
तुम पढ़ना भी नहीं चाह रहे हो, फिर भी आंसर आ जा रहा है। चलो।